आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. सेट बी अब डिस्कस कर रहे हैं हम. आपकी फिजिक्स 19 मार्क्स की थी. ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 0.8, तो 15.2 मार्क्स की फिजिक्स थी आपकी. उसमें से पासिंग 40% के अकॉर्डिंग बनते 6. समथिंग, बट 5.6 वाले को हमने पास कर दिया था. उसके अकॉर्डिंगली देख लो कि कितने बच्चे थ्रू है, कितने नहीं है और कितने मार्जिन पे हैं. दे नीड टू पुट इन वेरी हार्ड एफर्ट. डोंट सी योर कलेक्टिव मार्क्स इन साइंस, सी योर सेपरेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन. ठीक है, ये नहीं देखना कि टोटल कितने आए थे, आपने ये देखना फिजिक्स में अलग से कितने थे. बिकॉज थ्री टीचर्स आर टीचिंग यू, तो हमने भी सेपरेट रिजल्ट ही बनाया है आपका. ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्कोर आपका फिजिक्स का ही था इसमें, 19 मार्क्स का. ये ऐसे ही होगा अब नेक्स्ट टर्म में भी आपका ऐसे ही रहना है. तो 19 मार्क्स की फिजिक्स है, 15 मार्क्स की केमिस्ट्री थी और 16 मार्क्स की बायो थी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है पहला हमारा. साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्लस 1 आर गोइंग टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज. दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड स्मॉल डिविजन्स ऑन इट्स स्केल. They are advised to use कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस. वही लेंस बनाएंगे ना, छोटी छोटी डिविजन है जो मैग्निफाइड व्यू दे. क्योंकि ऐसे आपको दिखाऊंगी मैं कभी स्क्रू गेज, इतनी छोटी छोटी डिविजन होती है वो देखा नहीं जाता उसको, बहुत ही स्मॉल होती है, रीड करना डिफिकल्ट होता है. तो कन्वेक्स लेंस से हम उसको मैग्निफाई कर लेते हैं, बिकॉज कन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ मैग्निफाइंग ग्लास, यू नो दैट. कईयों के घर में होगा मैग्निफाइंग ग्लास, तो ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी यूज करता है फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है. अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 28 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर. इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी. ये आपको मैं बता गई थी कि अगर आप अलग से लिख दोगे तो वो चेक हो जाएगा. अदरवाइज हमने डी को भी ठीक किया है, बिटवीन सी एंड एफ उसको भी क्रेडिट दे दिया. इसका आंसर क्या आएगा? फोकल लेंथ जो है आपकी 26 है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी? 28 के बीच में. तो आपकी पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी. इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी. सेवेंथ क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर. द मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको पता है कनकेव मिरर में एक ही केस में इरेक्ट इमेज बनती है, लास्ट केस में. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज व्हाट? इसका आंसर था डी पार्ट, ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर. कैसे? ये कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, फोकस है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर और इरेक्ट इमेज बना रहा है. इरेक्ट इमेज बना रहा है तो इसका मतलब एफ और पी के बीच में होगी, तभी वो इरेक्ट इमेज बनती है इस केस में. ठीक है, ऐसे. अब उन्होंने बोला है कि अगर इरेक्ट इमेज बन रही है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हमें नहीं पता कहां पे है. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एटलीस्ट कितना होगा? देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इसके अंदर अंदर होगा, मतलब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर से कम होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखी है, तभी वर्चुअल इमेज बन रही है. और अगर फोकल लेंथ लेस देन 15, ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर है, तो जो सी है इसका डबल होगा, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा. तो फिर आपका आंसर था डी पार्ट, मोर देन 30 सेंटीमीटर. नाइन्थ, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अब आपको कैसे पता चला? इरेक्ट इमेज दोनों लेंस बना सकते हैं. कन्वेक्स लेंस जो है वो इरेक्ट इमेज सिर्फ लास्ट केस में बनाता है, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज. ठीक है, अब कैसे पता चला कि ये कन्वेक्स लेंस है? बिकॉज इमेज इज 3 times बिगर. अब वो कनकेव लेंस नहीं बना सकता, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो स्मॉल इमेज बनाता है कनकेव लेंस. तो इसका मतलब हमें पता चल गया, लेंस का नेम नहीं दिया हुआ, कन्वेक्स लेंस है. ठीक है, ध्यान से बच्चे ये आप बहुत सोच के करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन एमसीक्यू और भी चैलेंजिंग हो जाते हैं. वी अंडरस्टैंड कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, अगर इन नहीं है तो आउट है, सीधा इधर का उधर. अगर आपने सॉल्व किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा,
अदरवाइज स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते थे, पर अब वो नहीं हो सकता, हमारे हाथ में भी नहीं है। तो आपने अगर बहुत इन डेप्थ स्टडी की होगी तभी आप उसको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। तो डोंट टेक इट लाइटली, इट्स मोर चैलेंजिंग, आपने देख लिया है। और असर्शन रीजन जो है वो तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार। तो अगर आपको अच्छी तरह से पता होंगे सारे पॉइंट्स, कैसे हमने बीच में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तभी आप उसको ठीक तरह से कर पाओगे। और ऐसे ऐसे करके काम नहीं चलना आपका, है ना, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन सा आंसर ठीक है, दूसरे का देख के गलत कर लोगे, राइट। तो लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अब लेंस कौन से है, कन्वेक्स हमें पता चल गया, उसकी फोकल लेंथ है 12। इट फॉर्म्स 3 times मैग्नीफाइड इमेज, वो कब बनती है रियल इरेक्ट में 3 times मैग्नीफाइड, एफ और ओ के बीच में, पढ़ी है इसका मतलब। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज हाउ मच, तो पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैग्निफिकेशन कितनी है, +3 की -3, किसके पास है मोबाइल, क्या है किसकी, तुम्हारी, साइलेंट करो इसको, जिसकी भी वॉच है साइलेंट करो इसको। +3+ का मतलब वर्चुअल इमेज, और 3 क्योंकि 3 times मैग्नीफाइड है, और फोकल लेंथ दी हुई है 12 पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ध्यान से देखो क्या निकालना, आपको यू भी नहीं पूछा, वी भी नहीं पूछा, आपको ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो पहले तो चलो सॉल्व करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर अ लेंस, क्या होता है, +V/U, यहां से V आ गया 3U, आप लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, करो सॉल्व, चलो पुट करो वैल्यू, सॉल्व दिस। फोकल लेंथ कितनी है 12, V कितना है 3U, यहां से U आ जाएगा, करिए सॉल्व, U कितना आया बताओ, नेगेटिव आना चाहिए U, अगर आपका U नेगेटिव नहीं आ रहा वो फर्स्ट मिस्टेक होती है, U नेगेटिव आना चाहिए, -8, देखो तो मैंने किया हुआ है, सॉल्व, -8 centimeter है U, अब U अगर -8 आ गया तो V कितना है 3 into -8, V is -24, -24 V आ गया। अब पूछा क्या है, ये देखो 2F कहां पे है 24 पे और U कहां पे 8 पे, ये 12 है ना विदिन दिस, इस डिस्टेंस के बीच में, तो इमेज कहां पे बनती है, कहां पे बनती है इमेज, इस साइड पे कहीं बनती है। अब उन्होंने कहा ये आपका इमेज डिस्टेंस है और ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U और ये V, दे आर सेइंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इतना डिस्टेंस निकालना है आपको, तो वो कितना है, V में से U माइनस कर दो, आपका आंसर क्या होगा, V भी नहीं U भी नहीं, V माइनस U, मैग्नीट्यूड दोनों के माइनस कर दो, एक ही साइड पे है ना दिख रहे हैं, ये V है ये U है, तो आपका आंसर आएगा V माइनस U से V था 24 और U था 8, तो आपका आंसर है 16 centimeter। यहां माइनस की तो है ही नहीं, बात ही नहीं हो रही, यहां तो डिस्टेंस का है कि कितना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, बस स्टैंड अप। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक्सरसाइज का ही था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास में। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. What type of image will be produced? Full, half, double, no image. Full image. Image of full size is formed. चाहे उसकी brightness कम होगी पर size of image full होगा. क्यों होगा परीक्षित बताओ?
इमेज फुल साइज की कैसे बनेगी अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस का एक हाफ ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, क्या होगा? जो मर्जी, हाँ फिर, क्योंकि जो अदर हाफ है उससे जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होके जहां पे मीट करेंगी वहां इमेज बन जाएगी, तो वो फुल साइज की होगी, पर सारी रेज क्योंकि मीट नहीं कर रही ब्राइटनेस कम होगी। बट यहाँ तो साइज की बात की है, फुल बनेगी कि हाफ बनेगी? फुल बनेगी। 15th क्वेश्चन, विच इज करेक्ट? ये रे डायग्राम गिवन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? पहले वाला ही करेक्ट था। कौन सा मिरर दिया हुआ है? कन्वेक्स मिरर, कि जिसमें रे पैरेलल है, फोकस में से जाती हुई लग रही है। ए पार्ट वॉज करेक्ट। अब 17th क्वेश्चन, परीक्षित स्टैंड अप। अरे ऑफ लाइट एंटर्स, आप इधर आ दो, एक मिनट इधर आ दो, इधर आओ, एक मिनट में इधर आ दो, ठीक है? अरे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए इनटू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है हमें। ये रे का पाथ होता ओरिजिनल, ठीक है, पर ये इधर को है, मीडियम ए मीडियम बी। अब वो कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन, या क्या होगा? कैसे पता चलेगा ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है? ये नॉर्मल से अवे बेंड कर रही है कि टूवर्ड्स बेंड कर रही है? टूवर्ड्स, ये है ना नॉर्मल, ये तो वो रे का ओरिजिनल पाथ दिखाया है मैंने, नॉर्मल तो ये है। इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब इट इज एंटरिंग अ डेंसर मीडियम, ये एक डेंसर मीडियम में गई है ना, तो इसलिए क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, डेंसर मीडियम, ए ऑप्शन है, ग्रेटर देन वन, इसका मतलब बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है ना, ये डेंसर हुआ, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी तो पूछा है उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? ग्रेटर देन वन। किसी को इसमें कंफ्यूजन है पूछ लो। रे जब ए से बी में गई तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स कब बेंड करती है? व्हेन इट एंटर्स अ डेंसर मीडियम, तो बी इज डेंसर देन ए, यही पूछा है उन्होंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि आप इसको इधर ले आओ, B with respect to A, ऐसे लिखते हैं ना relative refractive index, ये greater than one होगा, so that is more than A. B with respect to A is greater than one. Power of a lens is expressed in diopter. 19. You are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these media ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? किस मीडियम चारों में से? हाँ, ग्लिसरीन। क्यों? हाँ, डेंसर, जिसमें उन्होंने कहा किसमें सबसे ज्यादा बेंड करेगी, अभी आपने क्वेश्चन किया, जो मीडियम डेंस होगा उसमें ज्यादा बेंड करेगी, तो इन सब में से डेंसर मीडियम कौन सा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई है? वो है ग्लिसरीन, 1.74। तो आपका आंसर है ग्लिसरीन, ठीक है? ये हो गया 19। आफ्टर दैट 22nd क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम ए टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बी, गीतांशु लीव वन बेंच एंड सिट देयर। No refraction of light occurs if angle of incidence in optically rarer medium is what? कब refraction नहीं होती? Normal incidence के लिए नहीं होती, पर उस केस में angle of incidence होता कितना है? 0 degree। देखो कैसे, जैसे ये medium A है, ये B है, normal incidence ये है, no refraction straight चली जाएगी ray।
पर इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री नहीं है, ये रे ऑफ लाइट है, नॉर्मल भी इधर है, इट इज एंगल दैट द रे ऑफ लाइट मेक्स विद नॉर्मल, तो रे ऑफ लाइट कोइंसाइड्स विद द नॉर्मल एयर ना, तो दोनों जब एक ही जगह है तो एंगल कितना हुआ उनमें, जीरो डिग्री, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो डिग्री हियर, समझ आई ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है पूछ लो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। 24th, इसके बाद मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय शेविंग मिरर इज लेस देन वन, इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन और मोर और लेस, ये क्या आएगा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय शेविंग मिरर इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि उसमें हमें मैग्निफाइड इमेज दिख रही है, हम शेविंग मिरर, मेकअप मिरर वो यूज करते हैं कनकेव मैग्निफाइड इमेज देखने के लिए, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन होगी, तभी हमें इमेज का साइज, फेस का साइज बिगर लगेगा, वो तो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में, मे बी इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, एक केस में वन होती है जब सी वाला केस होता है। उसके बाद 24th के बाद है 27th, अ वॉल हैज अ मिरर फिटेड ऑन इट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, रिनिका स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल सीज हर इरेक्ट इमेज इन इट When she starts moving towards the wall, अब इरेक्ट इमेज है, मिरर लगा हुआ है, तो इसका मतलब कन्वेक्स भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, पहले तो हमारे माइंड में यही आएगा ना, जो इरेक्ट इमेज बनाते हो दो मिरर हो सकते हैं, कनकेव भी हो, कन्वेक्स भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। When she starts moving towards the wall, अब उसने आगे चलना स्टार्ट किया, she finds that size of her image still remains the same. तो जिसमें साइज चेंज ही नहीं हो रहा, कौन सा मिरर है, प्लेन में, दूसरे सेट में था, साइज ऑफ इमेज स्टार्ट्स चेंजिंग, इरेक्ट इमेज है पर साइज चेंज हो गया, वो भी कन्वेक्स होगा क्या, हाँ तो क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है, कनकेव लग रहा है, कनकेव तो इरेक्ट बनाता ही सिर्फ इतने पोर्शन के लिए, उसमें इरेक्ट नहीं, उन्होंने अगर कनकेव होता तो उन्होंने बोल देना था कि अब इमेज इन्वर्टेड आनी शुरू हो गई, जब वो चलना शुरू करती है, उसमें इरेक्ट की इरेक्ट ही रही, तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अगर सेम साइज की अब चेंज, साइज चेंज हो रहा है तो प्लेन नहीं हो सकता, फिर कन्वेक्स हो, ठीक है, वैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, देखो कैसे, कन्वेक्स मिरर है ना, पहले आप दो पोजीशंस ले लो, यहां पे रख दो, पहले काफी दूर रख दो, ठीक है, ये आपका सपोज सी है, ये एफ है, इसकी इमेज बनाइए, यहां बनी, अब आप बिल्कुल सेम लो, उसी तरह से ऑलमोस्ट कंपेयर करने के लिए, पॉइंट वहीं पे लो कंपैरिजन करने के लिए, अब पास रख दो, अब आप कंपेयर करो कि इमेज क्लोजर हुई है कि कहां पे आई है, अगर आप बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लोगे आपको पता चलेगा कि जब वो गर्ल यहां पे थी और जब वो वॉक करके पास आ गई है तो इमेज यहां से कहां चली गई है, वो थोड़ा सा अब आपको उससे आइडिया होगा, बनती तो डिमिनिश है पर पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा होगा ना, यही आप ऐसे बना सकते हैं, यहां देखो ये इंक्रीज हो गया ना, यहां छोटी इमेज है, यहां थोड़ी सी बड़ी है, पर है तो डिमिनिश है, ऑब्जेक्ट से तो छोटी रहेगी, रहेगी तो डिमिनिश, पर यहां से आपको साइज का आइडिया हो रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया, पर रही तो इरेक्ट ही है ना वो, जसलीन आर यू गेटिंग इट, ट्वेंटी नाइन, सुनो अब आंसर मुझे बताएगा, रिदम, स्टैंड अप, रिदम,
अ कन्वेक्स लेंस सुन लो ध्यान से शोज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट f बिटवीन f एंड 2f एट 2f बिटवीन f एंड o. तुम रिदम हो आई ये ठीक बोला कि गलत रिदम यस ठीक है कि गलत है ठीक है आ जाओ रे डायग्राम बनाओ कम कम कन्वेक्स लेंस है गलत है क्यों नहीं आता भाई हम तो पेपर दे चुके हैं एक बार एट टू एफ है आंसर ठीक है पर रे डायग्राम बनाओ बनाना पड़ेगा आगे कम फर्स्ट बनाओ यहाँ एक ही assertion reason question था 30 seconds assertion है but एक बात है कि आपका response 10th C से better था तो आप और अच्छा कर सकते हो एक मिनट प्लीज हो गया तो आई अप्रिशिएट कि 10th डी का इतना रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड नहीं था बट दैट वॉज गुड एक मिनट तो अब आप और अच्छा करिए ताकि आपका सारे सेक्शन में से अच्छा ठीक है 10th ए 10th बी से भी अच्छा आए तो उसके लिए आप आ जाओ आप आओ लास्ट आप आके बनाओ डायग्राम किधर आ जाओ चलो अब नेक्स्ट टर्न उसकी आएगी जो इधर से बोल रहा है उसकी टर्न आएगी आई थिंक यू है ना चलो असर्शन ले लो चौक वहां से हाँ 2f पे कन्वेक्स लेंस बाकी बनाइए अपनी कॉपी पे हरी अप कॉपी पे बनाओ प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा हरी अप नहीं तो भूल जाओगे सब कुछ थर्टी सेकेंड क्वेश्चन assertion. वर्ड एम्बुलेंस ऑन द हॉस्पिटल मैंस नो इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज एम्बुलेंस देखते हो ना आप ऐसे लिखा होता है रीजन है इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देखो इसके लिए हम सोच रहे हैं जब एम्बुलेंस वर्ड हमारे माइंड में आता है हम सोचते हैं लेटरल इनवर्जन लेफ्ट हैंड साइड राइट बन जाती है ठीक है राइट लेफ्ट बन जाती है पर उन्होंने रीजन कहा है कि प्लेन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम साइज यार सेम साइज का तो कोई बात ही नहीं बात तो लेटरल इनवर्जन की आ रही है ना तो रीजन ठीक है अपने आप में पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आपका आंसर आएगा बी पार्ट गॉट दिस किसको समझ नहीं आया बी पार्ट आप समझाओ कार्तिक एक बारी व्हाट आई एक्सप्लेन व्हाई दिस रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग आवर असर्शन यहां आ दो बाहर आ दो यहां आ दो लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन सुन लो अब हार्दिक स्टैंड अप यू विल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंड अप पैराग्राफ सुनो पहले शिवानी वांटेड टू स्टडी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंसेज सो शी बॉट टू लेंसेज एक्स एंड वाई ध्यान से सुनो दीक्षांत दिशांत तुम्हारी टर्न है इसके बाद दो लेंस है एक्स एंड वाई ठीक है आउट ऑफ विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस एक्स द इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड फॉर्म्ड एट अ ग्रेट डिस्टेंस ग्रेट डिस्टेंस मतलब बहुत दूर बनी है रियल इन्वर्टेड है पर बहुत दूर मतलब इंफिनिटी पे बनी ठीक है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखी थी उसके 10 सेंटीमीटर रियल है तो कौन सा लेंस हो सकता है कन्वेक्स ही हो सकता है कनकेव तो नहीं हो सकता ठीक है ना रियल है ना इमेज तो इट मस्ट बी कन्वेक्स लेंस
और इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है, फोकस पर, और कितना डिस्टेंस दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर, तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी है लेंस की, 10 सेंटीमीटर, एक्स की फोकल लेंथ पता चल गई हमें 10 सेंटीमीटर। लॉजिक क्लियर हो गया कैसे, उन्होंने कहा है कि जब 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं, ये नहीं कहा कि फोकल लेंथ ही है ये, वो हमें खुद आइडिया लगाना पड़ा। उन्होंने कहा जब 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है ग्रेट डिस्टेंस में, मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी कहते हैं उसको। तो इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, फोकस पर। सो दैट मींस आवर फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। द वन ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन 46, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एक्स, तो वो हमने निकाल ली 10 सेंटीमीटर। अब है तुम बताओगे वाई की, बट वेन द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस वाई, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ लेंस कौन सा है और इसकी फोकल लेंथ क्या है, बताओ। कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस रियल इमेज बनाता है क्या, तो ये भी कन्वेक्स है, कनकेव लेंस नेवर फॉर्म्स रियल इमेज ना, तो दोनों लेंसेज कन्वेक्स हैं। आप ये जरूरी नहीं है कि एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स ही दिया होगा, ऐसा नहीं होता। इन दिस क्वेश्चन बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड, स्टैंड अप। अब बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, कौन सा केस दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि वाई लेंस के लिए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है बताओ, एट एफ तो वो था ना, तो फिर एट एफ, कब सेम साइज की इमेज बनती है, कहाँ पे रखे, 2f पे ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f पे रखी है, 2f है 10 इस केस में, तो अगर 2f 10 है तो f कितना हुआ, सो दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ y लेंस इज 5 सेंटीमीटर। ये था 47th क्वेश्चन, बैठ जाओ। 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कांट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, क्ले, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 49th, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ वाई लेंस कन्वेक्स ही है, कैन बी लेस देन और मोर देन वन, लेस देन और इक्वल टू वन, लेस देन मोर देन इक्वल टू वन, और मोर देन वन और इक्वल टू वन, तीनों चीजें हो सकती हैं, लेस देन वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन। कैसे, 2f वाले केस में इक्वल टू वन है, जैसे कि अगर बिटवीन f एंड 2f है तो ग्रेटर देन वन है ना, और अगर बियॉन्ड 2f है तो लेस देन वन है, तो हर तरह की मैग्निफिकेशन पॉसिबल है, उधर उधर। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट, लेंस x, एक मिनट वही रहो, लेंस x प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ +5, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, x जो है वो +5 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इमेज कहाँ रखी है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन f एंड o। हाँ जी आप सुन लो विमान, क्योंकि कौन सी इमेज बन रही है, +5 मैग्निफिकेशन, प्लस मतलब वर्चुअल इमेज, 5 मतलब 5 टाइम्स बिगर, कौन से केस में बनती है, बिटवीन एफ एंड ओ वाले में। बस फोकल लेंथ कितनी है इसकी, हमने निकाली है इसकी फोकल लेंथ है 10, इसका मतलब वो 10 से कम होगी, यही होगा ना, लेंस एक्स है कि वाई है, हाँ, तो एट लेस देन f1, यही है आंसर। आपको क्या कंफ्यूजन है इसमें, पर वो +5 नहीं ना होती, वो -5 होगी ना मैग्निफिकेशन, प्लस को सिर्फ इस केस में, एक मिनट ये बंद कर दूं, बंद कर दूं।